अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। तो कल हमने पढ़ा था सबक उस्ताद का एहतराम, तो आज इसी सबक के हमें सवालात और जवाब करने हैं। शाबाश। तो सबसे पहला सवाल है, किस पेशे को अजीम और मुकद्दिस कहा गया है? शाबाश, आपने पढ़ा था, मुझे बता सकता है कोई बच्चा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो सवाल तो मैं नहीं लिखूंगी, आप बुक्स से लिखेंगे, मैं हाली यहाँ पे आपको जवाब लिखूंगी। यह है सवाल नंबर वन का जवाब। देखिए, शाबाश, उस्ताद का पेशा, उस्ताद का पेशा सबसे अजीम, सबसे अजीम और मुकद्दस पेशा है। मुकद्दस पेशा है। शाबाश। दुनिया के तमाम मजाहिब का मैंने आपको बताया था बच्चों, मजाहिब किसकी जमा है? गुड, मजहब की। शाबाश। मजाहिब में इस पेशे की अजमत और बढ़ाई को बढ़ चढ़कर पेश किया गया है। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, सवाल नंबर दो है हमारा, उस्ताद की रहनुमाई क्यों जरूरी है? शाबाश, बता सकता है कोई बच्चा मुझे? नवीद, आप मुझे बता सकते हैं? गुड। तो कोई भी शख्स शाबाश, कोई भी शख्स उस वक्त तक दुनिया के जाहरी या बातनी, आपको मैंने बताया था ना, बातनी किसे बोलते हैं? बातनी हो गया पोशीदा या अंदरूनी अलूम किसकी जमा है? शाबाश, इलम की जमा। ये मैंने आपको बताया था, आप अपनी कॉपी पे लिख दीजिए, अलूम से आगाही हासिल नहीं कर सकता जब तक उसे उस्ताद की रहनुमाई हासिल न हो। शाबाश। ये हो गए मेरे दो सवाल के जवाब। अब तीसरा सवाल क्या पूछ रहे हैं हमें, उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को क्या करना चाहिए? शाबाश। उस्ताद को कल हमने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा। तो सवाल नंबर तीन का जवाब है, शाबाश बच्चों, हाँ आप बताएं मुझे, आदिल आप मुझे बताओ। गुड, वेरी गुड। उस्ताद के तजर्बात और मुशाहिदात से इस्तफादा करने के लिए मैंने कल आपको बताया था, कोई मुझे बता सकता है इसका क्या मतलब है? इस्तफादा हो गया गौर करना, ठीक है ना, करने के लिए जरूरी है कि शागिर्द
शाबाश शागिर्द, उसकी बातों को समझने की हर मुमकिन कोशिश करे शाबाश। सवाल नंबर 4 हमें क्या पूछता है, नौशिरवान ने बेटे के मुंह पर चपत क्यों लगाई। शाबाश। सवाल नंबर 4 इसका जवाब है क्यों लगाई। शाबाश, कोई मुझे बता सकता है? आप मुझे बताओ वसीम, उसने क्यों लगाई थी आपने बे चपत, हो गया तमाचा, क्यों लगाया था? शाबाश, नौशिरवान ने बेटे के मुंह पर चपत, हो गया तमाचा, इसलिए लगाई क्योंकि उस्ताद खुद पांव धो रहे थे और तुम पानी डाल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती क्या तुम खुद उस्ताद के पांव नहीं धो सकते? अब आ गया सवाल नंबर 5, सिकंदर आजम ने उस्ताद से क्या कहा। सवाल 5, शाबाश, सिकंदर आजम ने उस्ताद से क्या कहा था? हाँ, आप मुझे कोई बता सकता है? शाबाश जी, वेरी गुड। सिकंदर आजम उस्ताद के सामने खड़ा हो गया और बड़े फखरिया अंदाज में बोला मांगिए उस्ताद मोहतरम क्या मांगते हो ठीक है, मैं अब दुनिया की हर चीज आपके कदमों में लाकर रख दूंगा किसने कहा? सिकंदर आजम ने अपने उस्ताद से कहा। गरज उस्ताद का मुकाम नहायत बुलंद है, ये हो गए हमारे 5 सवालों के जवाब।
अब हमें एक क्वेश्चन और करना है, शाबाश। वो क्या है, आपने ये लिख लिया। वो सवाल है हमारा, दुरुस्त बयानात के सामने स्वाद और गलत बयानात के सामने आगे गैन लिखिए। जो स्वाद का मतलब है सही और गैन का मतलब है गलत। जो भी यहाँ पे ये सवाल दिए गए हैं, इनमें से जो सही है उसके आगे हम स्वाद लिखेंगे और जो गलत है उसके आगे हम क्या लिखेंगे, शाबाश, गैन लिखेंगे शॉर्टकट में। पहला सवाल है, आप देखिए, आप अपनी किताब पर देखिए। पहला सवाल है, उस्ताद बुरे और भले में तमीज करना सिखाता है, मुझे बताइए ये गलत है ये सही? शाबाश। फिर मैं एक बार रिपीट करती हूँ, उस्ताद बुरे और भले में तमीज करना सिखाता है, शाबाश, सही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले का इसको हम लिखेंगे इस डैश डैश में स्वाद, ठीक है। अब आगे दूसरा पार्ट, तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद अहम किरदार अदा करता है, शाबाश। अंधेरे से रोशनी में लाने के लिए उस्ताद अहम किरदार अदा करता है कि नहीं, गुड, ठीक है, ये भी सही है, इसको भी हम स्वाद लिखेंगे। अब आगे तीसरा पार्ट, उस्ताद रहनुमाई करके नाहमवारियों को दूर नहीं करता, उस्ताद जो है वो उसकी रहनुमाई से नाहमवारियां जो है वो दूर नहीं होती, नहीं कर सकता वो, कर सकता है, शाबाश। तो ये क्या है, गलत है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, गैन, गुड, इसको हम लिखेंगे गैन। अब चौथा पार्ट, ठीक है, चौथा पार्ट हमारा आ गया, नौशिरवान ने अपने फर्जंद को एक उस्ताद के पास नहीं भेजा, भेजा था नहीं, भेजा था, शाबाश। तो ये क्या है, गलत। अब हमारा पांचवा पार्ट है, लास्ट और पांचवा, वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने उसातिजा की इज्जत करते हैं, सही है गलत, गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया है। तो ये था हमारा बच्चों आज का ये सबक, हमारा टॉपिक, ओके, खुदा हाफिज़।